हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं मुल्तानी मिट्टी से एक बेहतरीन फेशियल, जो कि तमाम फेशियल्स पर भारी रहेगा। इस फेशियल के एंड रिजल्ट्स देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाओगे कितने एवन, कितने फर्स्ट क्लास हैं। सबसे पहले तो ये फेशियल आपकी टैनिंग को रिमूव करेगा, कालेपन को दूर करेगा, आपकी स्किन से पिंपल्स एक्नी को रिमूव करेगा और जितने भी आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सबको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करे। तो फिर देर का किस बात की, जल्दी से इस फेशियल को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक चम्मच भर के लेंगे मुल्तानी मिट्टी के, साथ ही इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। दूध कोई सा भी होगा चलेगा। और इसका एक लिक्विडी सा सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे, इसको थिक नहीं रखेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने फेस पर, पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से अपने फेस की क्लेंजिंग करेंगे और फिर फेस वॉश कर लेंगे। सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग का, और इसके लिए एक टमाटर लेंगे। टमाटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसके अंदर आधा चम्मच कस्तूरी हल्दी, आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी और आधा ही चम्मच शुगर का ऐड करके अच्छे से अपने पूरे फेस की 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग करेंगे। इससे क्या होगा, आपके तमाम के तमाम ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे, आपके फेस में एक अच्छा सा नेचुरल सा ग्लो आएगा। टमाटर गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, साथ ही साथ जो हम लोगों ने मुल्तानी मिट्टी इसमें ऐड की है वो भी आपके पिंपल एक्नी को रिमूव करेगी, लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम है तो उसको रिड्यूस करेगी और आपके चेहरे को नीट, क्लीन और फ्रेश बनाएगी। थर्ड स्टेप में हम लोग करने वाले हैं मसाज, और इसके लिए हम लोगों को चाहिए होगा आधा चम्मच हनी, आधा चम्मच कस्तूरी हल्दी और 2 चम्मच हम लोगों को लेने हैं दही के, साथ ही हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी का 1 चम्मच। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे और तकरीबन 10 मिनट तक अपने फेस का अच्छे से मसाज करेंगे। आप इस मसाज को एक मरतबा बनाकर स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो, साथ ही साथ अपने हैंड्स एंड फीट पर भी इस मसाज क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से आपके हैंड्स एंड फीट की, साथ ही साथ फेस की टैनिंग को रिमूव करेगा, आपके फेस को ग्लो देगा, आपके फेस को फ्रेशन अप करेगा, साथ ही साथ आपके फेस पे जितने भी डर्ट, पॉल्यूशन और जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उन सबको रिमूव करेगा और आपके फेस को नीट, क्लीन और क्लियर बनाएगा। तो 10 मिनट मसाज कर लेने के बाद आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हो कि कितने अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो हमारे सामने हैं। और अब हम लोग बनाने वाले हैं मुल्तानी मिट्टी से फेस पैक, और फेस पैक बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए होगा 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, साथ ही इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और फिर आखिर में डालेंगे इसके अंदर रोज़ वाटर। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको ड्राई होने तक छोड़ देंगे। उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब बस हम लोगों का रह गया आखिरी स्टेप, और वो है आइसिंग द फेस। और आइसिंग द फेस करने के लिए हम लोगों को चाहिए होगी क्यूब्स। ये कोई नॉर्मल क्यूब्स नहीं है बल्कि इनको बनाया गया है एक ख़ास तरीके से, और इसके लिए हम लोगों को चाहिए होगे अलम। अलम यानी कि फिटकरी, जो कि आम पंसारी की शॉप से इजीली अवेलेबल होती है। इसको हमने अच्छे से पीस लिया था और इसके अंदर थोड़ा सा 1 गिलास पानी डालकर एक सॉल्यूशन बनाकर क्यूब्स बना ली हैं। और अब इन क्यूब्स से हम लोग करने वाले हैं अपने फेस की आइसिंग। ये आइसिंग कोई नॉर्मल आइसिंग नहीं है, इससे आपके ओपन पोर्स बहुत अच्छे से मिनिमाइज़ होंगे। आप लोग इसको नॉर्मल फेशियल से हटकर भी आम रूटीन में कर सकते हो अगर आपके बहुत बड़े बड़े लार्ज ओपन पोर्स हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी, आपके पिंपल्स को रिड्यूस करेगी और आपके चेहरे में फ्रेशनेस लेकर के आएगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा मिनी फेशियल जो कि हम लोगों ने मुल्तानी मिट्टी से किया, और ये तमाम फेशियल्स पर भारी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वैसे भी ईद आने वाली है, ईद के लिए ये बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये फेशियल पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये फेशियल कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।